हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टॉप 50 ईडियम्स को कवर करेंगे। इससे पहले हमने 100 ईडियम कवर किए हैं पहली वीडियो में, पार्ट वन में। इसमें हम 50 ईडियम्स और देखेंगे, और कुछ ईडियम्स तो आपकी याद होंगे और जो याद नहीं है उसको आप याद कर लेंगे और आपका साथ में रिविज़न भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, इसको आप पूरा ध्यान से देखना। और ये सारे ईडियम मैंने जो प्रीवियस ईयर में अब तक पूछे गए हैं उन्हीं से लिए हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे ईडियम्स, इनको रिवीजन करते रहना है, इनको याद कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो चलिए देखते हैं पहला ईडियम्स। तो फर्स्ट ईडियम यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला ईडियम्स पिछली वीडियो में हमने 100 किए हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यानी 100 से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और पहला ईडियम यहाँ पर लिखा हुआ है इन हाई स्पिरिट्स। देखिए, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है फुल ऑफ, यानी फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, यानी पूरे उत्साह में भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ, उसको बोलते हैं इन हाई स्पिरिट्स। तो इसका मतलब हो जाएगा उत्साह से भरा हुआ। नेक्स्ट है शार्प प्रैक्टिसेस। देखिए, शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है इंटेलिजेंट डिसीजन, मतलब बुद्धिमानी भरा निर्णय, उसको बोलते हैं शार्प प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिमानी भरा निर्णय। और नेक्स्ट है इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है इन फेवर विद, यानी किसी का फेवरेट होना, किसी के फेवर में होना। इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है किसी की पसंद होना, किसी के फेवर में होना। ठीक है, नेक्स्ट है फेड अप विद। फेड अप विद का मतलब होता है थक जाना, तो थक जाना उसको बोलते हैं फेड अप विद। फेड अप विद का मतलब क्या होता है, थक जाना। ठीक है, नेक्स्ट है करिंग फेवर विद। करिंग फेवर विद का मतलब होता है चापलूसी करके अपना काम निकालना, मतलब चापलूसी करके अपना काम निकाल लेना, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इस ईडियम्स का, करिंग फेवर विद, यानी अपने काम के लिए दूसरों की प्रशंसा करना, अपने काम निकालने के लिए चापलूसी करना, उसी के लिए यूज़ करते हैं करिंग फेवर विद। चलिए आगे देखते हैं, टू मीन्स मैटर। मीन्स मैटर का मतलब होता है कन्फ्यूज इशूज, मतलब एक अस्पष्ट मुद्दा, अनक्लियर मुद्दा, उसको बोलते हैं अनक्लियर मैटर, है ना, उसको बोलते हैं मीन्स मैटर, जो समझ में ना आए, अस्पष्ट हो, ठीक है, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं मीन्स मैटर। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मीन्स मतलब अकेला या फिर निसहाय, उसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई, नेग्लेक्ट कर देना किसी के द्वारा, अकेला छोड़ देना, ठीक है, उसी के लिए यूज़ करते हैं हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट है टर्न्स अप हर नोज एट। टर्न्स अप हर नोज एट का मतलब होता है डिस्पाइजेस करना, मतलब किसी नापसंद करना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं टर्न अप हर नोज एट, यानी किसी को नापसंद करना, तिरस्कार करना, डिस्पाइजेस करना, ठीक है। नेक्स्ट है फेल बैक। फेल बैक का मतलब होता है टर्न बैक, यानी पीछे हटना, टर्न बैक। फेल बैक मीन्स टर्न बैक, यानी पीछे हटना, उसके लिए यूज़ करते हैं टर्न बैक या फिर फेल बैक। आगे देखते हैं एंडेड इन ए फियास्को। एंडेड इन ए फियास्को का मतलब होता है वाज एन अटर फेलियर, यानी अटर मीन्स होता है पूर्णतः, तो पूरे तरीके से फेल हो जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंडेड इन फियास्को, यानी असफल हो जाना, उसके लिए यूज़ करते हैं एंडेड इन फियास्को। एक होता है एंडेड इन ए स्मॉक, तो एंडेड इन स्मॉक का मतलब भी यही होता है, फेल हो जाना, असफल होना। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब होता है रहस्य बता देना, मतलब रहस्य उजागर कर देना किसी का या फिर बता देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रहस्य बता देना। आगे है कट हिम ऑफ, या फिर एक, ये दो ईडियम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कट हिम ऑफ या फिर विदाउट ए सीलिंग, दोनों का मतलब सेम होता है, डिसहेरिटेड, इसका मतलब क्या है कि मतलब वसीयत से बेदखल कर देना किसी को, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कट हिम ऑफ या फिर विदाउट ए सीलिंग। और नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है द मैन इन द स्ट्रीट। द मैन इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट होती है गली, गली को बोलते हैं स्ट्रीट, और द मैन इन द स्ट्रीट उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी मैन, यानी गली में रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है, साधारण, इन ऑर्डिनरी मैन, यानी साधारण व्यक्ति, तो इसका मतलब होता है द ऑर्डिनरी मैन। नेक्स्ट है
मेड अमेंड्स फॉर का मतलब होता है रिपेंटेड फॉर, या इसका मतलब है क्षतिपूर्ति करना या फिर अपने किए के लिए पछताना, उसके लिए हम यूज करते हैं मेड अमेंड्स फॉर का। और आगे है करिंग फेवर का मतलब होता है फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना, किसी की मतलब चापलूसी करना, उसके लिए यूज करते हैं करी फेवर मीन्स क्या हुआ, चापलूसी करना, फ्लैटर करना। और नेक्स्ट है रन डाउन का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, सेम इसका मतलब भी ये होता है आलोचना करना, ठीक है, इसका मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, रन डाउन, ओके। नेक्स्ट है टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, इसका मतलब ये है कि केवल उतना कमाना कि जिससे बस गुजर बसर चल सके, मतलब मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब यही होता है टू लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस, तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब क्या होता है इन डिसएग्रीमेंट, इसका मतलब ये है कि सिक्स एंड सेवन मतलब तितर बितर हो जाना, मतलब अव्यवस्थित हो जाना चीज़ें, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिक्सेस एंड सेवंस। नेक्स्ट है द अचील्स हील ऑफ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट यानी कमज़ोर पहलू, किसी भी चीज़ का कमज़ोर पहलू होना, उसके लिए हम यूज़ idioms का यूज़ करते हैं द अचील्स हील ऑफ, ठीक है, यानी कमज़ोर पहलू, वीक पॉइंट, ओके। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कोक एंड बुल स्टोरीज मीन्स होता है अनबिलीवेबल स्टोरीज, यानी मनगढ़ंत कहानी, झूठी कहानी, ठीक है, झूठी कहानी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोक एंड बुल स्टोरीज का, झूठी कहानी। आगे है प्ले डक्स एंड ड्रैक्स मीन्स होता है वेस्ट करना, मतलब स्पेंड करना, खर्च करना बहुत ज़्यादा पैसा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डक्स एंड ड्रैक्स का। और नेक्स्ट है मेकिंग हे वाइल द सनशाइन मीन्स होता है मौके का फ़ायदा उठाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेकिंग हे वाइल द सनशाइन का। नेक्स्ट है ग्रीज एनीबडीज पाम्स का मतलब होता है ब्राइब यानी रिश्वत देना, घूस देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस idioms का, यानी ग्रीज एनीबडीज पाम का, ओके, इसका मतलब क्या होता है ब्राइब यानी रिश्वत देना, घूस देना। आगे है लेफ्ट मी इन द लर्च मीन्स होता है अबेंडेड मी व्हेन आई नीडेड, यानी मुझे मुसीबत में छोड़ दिया गया, मुसीबत में छोड़ देना, कहने का मतलब यह है कि परेशानी में छोड़ देना। लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब क्या है अबेंडेड मी व्हेन आई नीडेड, यानी जब मुझे आवश्यकता है तब उसने छोड़ दिया, यानी परेशानी में छोड़ देना। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गेव ये पहले भी आ चुका है, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक यानी बोलने में निपुण, ठीक है, बोलने में कलाकार होना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गिफ्ट ऑफ द गेव। और नेक्स्ट है यहाँ पर स्कैपगॉट का मतलब होता है पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड, इसका मतलब क्या है कि दूसरों की के गलती के लिए सजा देना, मतलब बलि का बकरा, इसको बोलते हैं बलि का बकरा, स्कैपगॉट मींस बलि का बकरा, गलती किसी और ने की है और सजा किसी और को मिल जाना, ठीक है। और ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होता है विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी, उसको बोलते हैं इमेंस ऑफ लेटर, या ए मैन ऑफ लेटर्स मीन्स क्या होता है विद्वानी या फिर ज्ञानी। और आगे है टू बीट अबाउट द बुश मीन्स होता है स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, यानी घुमा फिरा करके बातें करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू बीट अबाउट द बुश का, तो इसका मतलब क्या होता है घुमा फिरा कर बातें करना, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर यानी घुमा फिरा करके बातें करना, टू बीट अबाउट द बुश। आगे देखते हैं, चलिए आगे और देखते हैं, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है लिव इन द लर्च, तो ये हो गया लिव इन द लर्च मीन्स क्या होता है डेजर्ट हर यानी मुसीबत में छोड़ देना, परेशानी में छोड़ देना। नेक्स्ट है यहाँ पर टुक मी टू टास्क मीन्स होता है पनिश्ड मी यानी सजा देना, ठीक है, टुक मी टू टास्क मीन्स क्या होता है सजा देना, पनिश्ड मी। आगे है
द कैरोट एंड स्टिक, द कैरोट ये के है यहाँ पर, स्टिक लिखा हुआ है। द कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर आप अच्छा करते हैं तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर गलत करते हैं तो आपको पनिश भी किया जाएगा। मतलब कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है ए वर्ड्स आई व्यू, ए वर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, ठीक है, एन ओवर व्यू, ठीक है, सरसरी निगाह से देखना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए वर्ड्स आई व्यू का। और नेक्स्ट है सेट द बेट, सेट द बेट मीन्स होता है लेट द ट्रैप, ट्रैप मीन्स जाल को बोलते हैं, और इसका मतलब हुआ कि जाल बिछाना। सेट द बेट मीन्स क्या हुआ, जाल बिछाना, किसी को फंसाने के लिए मतलब जाल बिछाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट द बेट का। नेक्स्ट है टर्न ए ब्लाइंड आई टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, मतलब क्या है कि दिखावा करना कि हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं नोटिस किया। इसका मतलब क्या है कि नज़रअंदाज कर देना चीज़ों को, ठीक है, नज़रअंदाज कर देना, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई टू। नेक्स्ट है यमन्स सर्विस, यमन्स सर्विस का मतलब होता है ह्यूमेंस सर्विस का मतलब होता है एक्सेलेंट वर्क, यानी अच्छा कार्य, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस idioms का ह्यूमेंस सर्विस। और नेक्स्ट है टू टेक समवन फॉर ए राइड, टू टेक समवन फॉर ए राइड का मतलब होता है टू डिसीव समवन, यानी धोखा देना, धोखा देने के लिए हम यूज़ करते हैं इस idioms का टू टेक समवन फॉर ए राइड, मीन्स टू डिसीव समवन, इट मीन्स धोखा देना। ओके आगे है टू स्मेल ए रेड, टू स्मेल ए रेड का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस, यानी संदेह करना, तो संदेह में होना चीजें, उसके लिए हम यूज करते हैं टू स्मॉल ए रेड, टू स्मेल ए रेड, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व मीन्स क्या होता है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, यानी हर संभव प्रयास करना, हर प्रयास कर लेना, जो मतलब हर संभव प्रयास करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस idioms का टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी टू मेक अटमोस्ट एफर्ट। आगे है आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है यहाँ पर टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर, इसका मतलब क्या है टू स्केप स्टारवेशन, यानी भूखमरी से बचना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कीप द बॉल फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट है टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकम्फर्टेबल फील करना, यानी असंतुष्ट या फिर असुविधाजनक फील करना, उसके लिए हम यूज करते हैं idioms का टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। आगे है टू एड फ्यूल टू फायर, टू एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है इनसाइट, इनसाइट मीन्स मतलब उकसाना, किसी को भड़काना, टू एड फ्यूल टू द फायर मीन्स क्या हो गया, आग में घी डालना, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं। अगर हिंदी मीनिंग की मैं बात करूँ, इसका मतलब क्या है कि किसी को भड़काना, किसी मैटर को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है टू लोड डाउन वंस नोज, इसका मतलब क्या है टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, तो टू लुक डाउन वंस नोज मीन्स क्या होता है कि किसी को अपने से नीचा समझना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस idioms का। नेक्स्ट है यहाँ पर टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है टू प्रिटेंड ग्रीफ, यानी दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू, इसका मतलब होता है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है शी आई टू आई, शी आई टू आई मीन्स होता है एग्री, यानी सहमत होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आई टू आई। और आगे है हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट कार्य। नेक्स्ट है यहाँ पर स्प्रीड लाइक वाइल्ड ए सॉरी वाइल्ड फायर, स्प्रीड लाइक वाइल्ड फायर, इसका मतलब क्या है बहुत तेज़ी से फैलना, मतलब स्प्रीड रैपिडली, तो वाइल्ड फायर क्या होती है बहुत तेज़ी से फैल जाती है, इसी के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रीड रैपिडली, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल होना, यानी असंभव होना कोई चीज़, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं इस idioms का, यानी आउट ऑफ द क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आगे लिखा हुआ है यहाँ पर
टू कॉल ए स्पेड, टू कॉल ए स्पेड का मतलब होता है टू बी फ्रैंक, यानी बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर मतलब बातें बताना, एकदम फ्रैंकली बातें बोलना। नेक्स्ट है गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे का मतलब होता है गिव आउट द सीक्रेट, यानी रहस्य उजागर कर देना, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इस idioms का गिव द गेम अवे का। तो फ्रेंड्स ये आपके 50 idioms थे और इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में मैंने आपके लिए करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर दी है, तो आप बेबी डेली देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिए हैं उसमें, उस सीरीज में, तो वे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर देखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।